इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट प्रैक्टिस सेट, और आपको बता दिए सेट नंबर 4 है और ये कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिसमें से तीन ऑप्शन गलत है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है, एक ढूंढना है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवाइजेबल होगा। और जो वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी उचित या उपयुक्त होता है। स्पेलिंग आप याद कर लें, ए डी वी आई एस ए बी एल ई होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिसमें से एक सही है, तीन गलत हैं और कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है तीन ऑप्शन में। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तीन गलत है यानी कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है तीन ऑप्शन में और एक सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये वर्ड होता है वो नाउन होता है जिसका हिंदी होता है राजा अंतरराज होता है, स्पेलिंग आई एन टी ई डबल आर ई जी एन यू एम होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स, और इसमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है, तीन गलत हैं, कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो वर्ड होता है वो नाउन होता है और वृक्षारोपण इसका हिंदी होता है और ए डबल एफ ओ आर ई एस टी ए टी आई ओ एन इसका स्पेलिंग होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तीन में एरर है स्पेलिंग एरर, चौथे में या कौन है जो सही है, आपको चुनना है यानी चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटेरेंस, और यहाँ पे देख सकते हैं जो हिंदी होता है उच्चारण या उक्ति होता है और इसका स्पेलिंग यू डबल टी ई आर ए एन सी ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि एक सही है, तीन में कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है, आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ये जो वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है यानी जगह लेना, स्पेलिंग एस यू पी ई आर एस ई डी ई होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इसमें तीन में एरर है, एक सही है, कौन सा राइट आंसर होगा? आपके पास एक सेकेंड का समय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये जो वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है यानी जलप्लावित होता है और इसका स्पेलिंग आई एन यू एन डी ए टी ई डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स, इसमें भी चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है, तीन गलत हैं, कौन सा सही है आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरासमेंट, और ये जो वर्ड जो होता है वो नाउन होता है और उत्पीड़न इसका हिंदी होता है, स्पेलिंग एच ए आर ए डबल एस एम ई एन टी इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी वही जो स्पेलिंग यानी सही है उसी को चुनना है, बाकी तीन में स्पेलिंग एरर है, कौन सा सही है आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको मैं बतला देता हूँ, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बता दें ए होगा, और ये जो वर्ड जो होता है वो नाउन है, निरंतर परिश्रम होता है और पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई होता है इसका स्पेलिंग, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है, बाकी तीन में स्पेलिंग एरर है, कौन सा ऑप्शन सही होगा राइट होगा आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो राइट आंसर होगा इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये जो वर्ड जो होता है वो नाउन होता है और ये प्रभु सत्ता इसका हिंदी होता है, स्पेलिंग एस ओ वी आर ई आई जी एन टी वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चार ऑप्शन दिए जाने हैं, एक सही है, तीन में स्पेलिंग एरर है, आपके सामने ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, और ये जो वर्ड जो होता है वो इसका हिंदी होता है पाश्चव प्रवन, और ये वर्ड का स्पेलिंग आर ई सी ई डी आई एन जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है, तीन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है आपको चुनने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी,
और ये जो वर्ड जो होता है वो एग्जेक्टिव होता है और ये प्रसिद्ध या सफल, और इसका स्पेलिंग ILLUSTRIOUS होता है स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिसमें से एक सही है यानी स्पेलिंग सही है और तीन में कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके स्क्रीन पे? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है यानी स्पेलिंग सही है उसका और तीन का स्पेलिंग एरर है। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें ये वर्ड नाउन होता है और सप्तति एवस्वीय व्यक्ति होता है। स्पेलिंग SPTUAGENARIN होता है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आपके सामने जो कि है, यहाँ पे देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है। पिटिएबल का सही स्पेलिंग क्या होता है आपको बतलाने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पिटिएबल जो होता है वो आपको बता दे एग्जेक्टिव होता है, दिन या दैनीय इसकी हिंदी होती है। स्पेलिंग PITIAPLE होता है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है बाकी तीन ऑप्शन गलत है यानी उसमें कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है, आपको बतलाने हैं। स्क्रीन पे है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, पदग्राही वृद्धभोगी या एडजेक्टिव में पदस्थ या पदभारी होता है। स्पेलिंग INCUMBENT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है तीन गलत है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर है। जो स्पेलिंग करेक्ट है उसको चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो वर्ड होता है वो एग्जेक्टिव होता है, बजटीय इसका हिंदी होता है। स्पेलिंग BUDGETARY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है। पैरेलल का जो पैरेलल होता है उसका सही स्पेलिंग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताने, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो हिंदी होता है मैं आपको वो भी बतला देता हूँ, जो इसका हिंदी होता है वो समानांतर होता है, तो याद रखेंगे इसका हिंदी समानांतर होता है। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है PARALLELED होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक सही है यानी अरेंजमेंट का जो सही स्पेलिंग होता है वो क्या होता है आपको बतलाने हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी होता है प्रबंधन, इसका स्पेलिंग ARRANGEMENT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड्स। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सिमेट्री का सही स्पेलिंग क्या होता है आपको बतलाने हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आप जानते हैं ये नाउन होता है, कब्रिस्तान या समाधि स्थल होता है। स्पेलिंग CEMETERY। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।